सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, मैं अवधेश गोयल सहायक आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय टावा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में अग्रिम श्लोकों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पूर्व की क्लास में, कक्षा में हमने देखा था कि अर्जुन को जो विषाद उत्पन्न हुआ तो वह श्री कृष्ण से अपने जिज्ञासा पूछ रहा है। वो कहता है न चेत विदम कतरन्नो गरियो यद्वा जय यदि वानो जयेयु याने वहत्वा न जीजी विशाम इस्ते अवस्थिता प्रमुखे धात राष्ट्र। अनुवे एतत् चन विदम न कतरत गरिये यद्वा जयम यदि वानो जयेयु यान हत्वा न जिजि विषाम एव ते दात्राष्टा प्रमुखे अवस्थिता। संदर्भ है, इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से अपने हृदय में विद्यमान धर्म संशय को व्यक्त करता हुआ स्व कर्तव्य अकर्तव्य के प्रति पूछता है। हिंदी अनुवाद, हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अर्थात युद्ध करना अच्छा है अथवा युद्ध का परित्याग। फिर यह भी नहीं जानते हैं कि युद्ध करके हम जीतेंगे अथवा वे हमको जीतेंगे। परंतु जिन बांधवों को मारकर हम जीना भी नहीं चाहते हैं वे धृतराष्ट्र के पुत्र तो हमारे साथ मरने मारने के लिए खड़े ही हैं। अग्रिम श्लोक, कार्पण्य दोस्तों पहत स्वभाव प्रक्षामि त्वं धर्म संबूढ चेता यत् श्रेयं शा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्नम। अन्वे कार्पण्य दोस्तों पर स्वभाव धर्म संबूढ चेता त्वां प्रक्षामि यत निश्चितम श्रेय शात तत्मे ब्रूहि हम ते शिष्य माम त्वां प्रपन्नम साधी। शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ है कार्पण्य यानी कायरता, अपहत स्वभाव नष्ट हुए स्वभाव वाला, धर्म संबूढ़ चेता धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला, ब्रूहि बतलाओ प्रपन्न शरण में आए हुए शादी शिक्षा दे। संदर्भ, औरों और पांडवों के मध्य युद्ध प्रारंभ होने ही वाला है और अर्जुन के हृदय में दंद मचा हुआ है। वह जहां एक ओर नहीं लड़ने की इच्छा व्यक्त करता है वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण से झड़प कर युद्ध करने की प्रेरणा देते हैं। ऐसी स्थिति में अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण से पूछता है कि आप मुझे बताइए कि मैं वास्तव में क्या करूं। हिंदी अनुवाद, अर्जुन कहता है कि कायरता रूपी दोष से मेरा क्षत्रिय स्वभाव नष्ट हो गया है, धर्म के विषय में मेरा चित्त विभ्रम हो गया है। इस प्रकार की स्थिति वाला मैं आपसे पूछता हूं जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वह आप मेरे लिए के हैं, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं इसलिए शरण में आए हुए मुझे आप शिक्षा दें।
नहीं प्रपश्यामि मम अपनुध्यात् यस्सोकं मुत्सोषणं इन्द्रियाणां अवाप्य भूमौ सपत्नमृतं राज्यस्मरणापि चाधिपत्यम्। अन्वय ही भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम च सुराणा आधिपत्यमपि अवाप्य अहम तत् न प्रपश्यामि यत् मम इन्द्रियाणाम् उत्सोषणम् श्लोकम् अप्नुध्यात्। कठिन शब्दात् असपत्नम् शत्रु रहित रिद्धम समृद्ध आधिपत्य स्वामित्व उत्सोषणम सुकाना अपनुध्यात दूर करे। संदर्भ अर्जुन वस्तुतः अत्यंत पीड़ित है, जो श्री कृष्ण की शरण में आ चुका है। प्रस्तुत पद्य में वह अपनी इस शरणागति में कारण देते हुए ही श्री कृष्ण से कहता है कि क्योंकि पृथ्वी पर निष्कंटक एवं धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामित्व को भी पाकर मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अग्रिम श्लोक एवं उक्ता ऋषिकेश गुड़ाकेश परंत न योतिषेति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूव। अन्वय परंतप गुड़ाकेश ऋषिकेश एवं उक्त्वा गोविंदम न योतिषे इति ह उक्त्वा तुष्णीं बभूव। कठिन शब्द गुड़ाकेश नींद को बस में करने वाला, न योतिष्य युद्ध नहीं करूंगा, तुष्णिम चुप शांत। संदर्भ अर्जुन द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के बाद उसने क्या किया इसका विवरण प्रस्तुत करते संजय दत्त राष्ट्र कह रहा है कि हे राजा धृतराष्ट्र, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने इंद्रिय को वश में करने वाले श्री कृष्ण से ऐसा कहकर मैं युद्ध नहीं करूंगा, यूं स्पष्ट रूप से गोविंद से कहकर वह चुप हो गया। अग्रिम श्लोक तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्न इव भारत सेनयोरु भयो मध्य विसिदंतम इदं वच। अन्वय भारत तम विसिदंतम ऋषिकेश उभयो सेनियो मध्य प्रसन्नम इव इदं वच उवाच। हे व्रतवंशी धृतराष्ट्र, विषिदंत विषाद करते हुए उभयो दोनों प्रश्नमिव हस्ते हुए वचे वचन। संदर्भ अर्जुन के चुप हो जाने पर जो घटित हुआ उसके विषय में संजय धृतराष्ट्र से कहता है कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस विषाद को करते हुए अर्जुन से श्री कृष्ण ने
कौरव और पांडव दोनों सेनाएं बीच में हंसते हुए ये वचन कहे। श्री भगवान वाच अशोचा अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्ये गतासोनगतासोंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। अन्वय तम अशोच्यान अन्वशोच च प्रज्ञावादान भाष्ये पंडिता गतासोन च अगतासून न शोचन्ति। कठिन शब्दार्थ है अशोच्यान न शोक करने योग्य, अनवशोच शोक करता है, प्रज्ञावादन पंडितों के समान वचनों को, गतासून जिसके प्राण चले गए हैं, नानु शोचन्ति शोक नहीं करते हैं। संदर्भ श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया आत्मज्ञान का उपदेश यहाँ से प्रारंभ होता है। दूसरे शब्दों में गीता का उपदेश कर्म यहाँ से चालू है। इसके पूर्व के श्लोक उपकर्म के रूप में थे और अब सांख्य का निष्ठामय उपदेश शुरू होता है। हिंदी अनुवाद आत्मज्ञान की प्रस्तावना के रूप में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू नहीं शोक करने योग्य, गुरुजनों एवं स्वजनों का तो शोक करता है और पंडितों की सी बातें बोलता है, परंतु पंडित जन तो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। अगले श्लोक न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमि जनाधिपा न चेवन भविष्याम सर्वे वयमतः परम। अन्वय न तु एवं अहम् जातु नासम त्वं नासि इमे जनाधिपा नाशम चेन एवं एव वयम सर्वे अतः परम न भविष्यामः। कठिन शब्द नासम नहीं था, जनाधिपा राजा अतः परम इसके पश्चात। इस श्लोक से आत्मा की अमरता के विषय में समझाते श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, यदि आत्मा के नाश के भय से शोक किया जाए तो सर्वथा अनुपयुक्त है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। हिंदी अनुवाद न तो ऐसा ही है कि आत्मस्वरूप में किसी काल में नहीं था, अथवा आत्मस्वरूप तू नहीं था, या आत्मस्वरूप ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि हम सब आत्मस्वरूप आत्मरूप से इससे आगे ना रहेंगे। आज इतना ही रखेंगे, अग्रिम श्लोकों में हम श्री कृष्ण द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा है उसका अध्ययन करेंगे। हरिओम।